नारी सुरक्षा के सवाल पर कांग्रेस इस समय यूपी में गंभीरता दिख रही है। शिवनगरी वाराणसी बीएचयू के मामले को बड़े ही जोर शोर से पार्टी द्वारा उठाया गया है। इस मामले पर राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश में शहरों की सड़कों पर कांग्रेसी उतरे हैं और खूब हो हल्ला कर नारी के लिए पुरजोर तरीके से न्याय और सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। गौरतलब है कि इसी साल देश में लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय की है और महिला सुरक्षा के मुद्दे को पार्टी पुरजोर तरीके से हवा देने में लगी है। कांग्रेस का प्रयास है कि आधी आबादी के उत्पीड़न के मामले को मजबूती से उठाकर नारी की सुरक्षा के सवाल पर सरकार को घेरा जाए। इस मुद्दे को 24 के लिहाज से भी पार्टी मुफीद भी मान रही है। वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री है। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी और ये उनके प्रमुख है किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है बल्कि पूरी की पूरी पार्टी। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? ये चुप्पी टूटनी जरूरी है। उधर बीएचयू प्रकरण में बीजेपी नेताओं के शामिल होने की बात सामने आने के बाद से भाजपा को घेरने का मौका कांग्रेस हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि नारी सुरक्षा के मुद्दे पर उसे देश भर में महिलाओं का साथ और समर्थन मिलने की आस है और ऐसे में लोकसभा के अहम चुनाव से पहले वो नारी की सुरक्षा के सवाल पर चूकना नहीं चाहती है। इसकी एक बड़ी वजह मोदी सरकार का महिला आरक्षण कार्ड भी है, जिसकी काट कांग्रेस सुरक्षा के सवाल से करने का ख्वाब बुन रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए परवेश त्यागी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।